इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ इस तरह की जहाँ पे अर्निंग जनरेट कर पाओगे। सबसे पहले आप जहाँ पे लाइव पेमेंट प्रूफ देख लो, और जितने भी जहाँ पे मैं पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ, जैसे जहाँ पे मेरे नहीं है, जैसे जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे यूज़ करके अर्निंग कर रहे हैं, उनके पेमेंट प्रूफ आपको जहाँ पे दिखा रहा हूँ। टाइम डेट सब कुछ जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जैसे सारे पेमेंट प्रूफ आज की डेट के आपको जहाँ पे शो कर रहे होंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो जहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि जहाँ पे आप जो जितनी भी अर्निंग करोगे, आपकी अर्निंग तो डॉलर्स में होगी, पर जैसे ही आप उसको जहाँ पे विड्रॉल करोगे, जहाँ पे विड्रॉल के मेथड पेटीएम भी अवेलेबल है, बैंक ट्रांसफर भी आप जहाँ पे ले सकते हो, यूपीआई भी ले सकते हो, और भी काफ़ी मेथड्स आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जहाँ पे अर्निंग का प्रूफ देख लो, आज की डेट का आपको जहाँ पे अर्निंग प्रूफ बैंक ट्रांसफर जहाँ पे शो करा होगा, $8 का जहाँ पे विड्रॉल करा हुआ, उसके नीचे $11 $17 का जहाँ पे विड्रॉल करा हुआ, उसके नीचे $10 का विड्रॉल करा हुआ, उसके नीचे $7 का करा हुआ, $11 $17 इस तरह के आपको अनलिमिटेड $5 का भी आपको जहाँ पे पेटीएम में विड्रॉल प्रूफ देखने को मिल रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको जहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स स्ट्रैटजी बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रैटजी को जहाँ पे फॉलो करते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 100% गारंटीड अर्निंग करोगे। तो कौन सी स्ट्रैटजी को हमने जहाँ पे फॉलो करना है, उसके लिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच आउट कर लेना। स्वागत है आपका लघवी शर्मा चैनल के एक और नई वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितने बार शॉर्ट टर्म के लूट ऑफर निकल के आते हैं उनकी वीडियो क्रिएट नहीं होती है, उनका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा, वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रोम में भी सर्च कर सकते हो। आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है gplinks.in। और जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है वो भी मैं आपको जहाँ पे दिखा देता हूँ। जहाँ पे आप लिंक शॉर्ट न करके अर्निंग कर सकते हो, सर्विस को कंप्लीट करके अर्निंग कर सकते हो, रेफर के थ्रू भी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, और गेमिंग के थ्रू भी आप जहाँ पे अर्निंग कर पाओगे। सबसे पहले आपको जहाँ पे हाईलाइट शो कर रहे होंगे टर्न जो ट्रैफिक, अगर आपके पास ट्रैफिक अवेलेबल है तो उसको आप जहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा लिंक शॉर्ट ना करने, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, सबसे हाई CPM रेट आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा। इंस्टेंट पे आउट है इसका, जहाँ पे आपको जहाँ पे मेंशन करा हुआ 10% की आपको जहाँ पे रेफरल ओनर्स मिलेगा, मतलब 10% की आप जहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म में आप कैसे कैसे जहाँ पे वर्क कर सकते हो, सबसे पहले आपको जहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लिंक को शॉर्ट टर्न करना है, और उस लिंक को आप जहाँ पे यूट्यूब पे भी यहाँ पे डाल सकते हो, यूट्यूब के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, टेलीग्राम वेबसाइट कहीं पे भी आप उसको प्रमोट कर सकते हो, वहाँ से आप जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जितने क्लिक्स आएंगे उसके थ्रू अच्छी खासी आपके जहाँ पे अर्निंग होगी। और अगर आप जहाँ पे लिंक शॉर्ट करने के थ्रू अर्निंग नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्विस वाला सेक्शन भी अवेलेबल है, गेम्स वाला सेक्शन भी अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप जहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब सबसे पहले इसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको जहाँ पे दिखा देता हूँ। टोटल क्लिक्स कितने आए हुए हैं वो जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, टोटल URL कितने शॉर्टनर हुए हैं वो जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं वो भी जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, टोटल पेमेंट कितनी करी हुई है वो भी आप जहाँ पे देख सकते हो, कितने डॉलर्स की इन्होंने जहाँ पे अभी तक टोटल जहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं। और जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अगर उनके आपने रिव्यूज़ वगैरह रीड आउट करने होंगे वो भी आपको जहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पे क्या करना है, इनकी पूरी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी जहाँ पे मेंशन है, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है जहाँ पे चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अलावा आप जहाँ पे ईमेल और कॉल भी इनको जहाँ पे कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे साइनअप का प्रोसेस कंप्लीट करना है, टॉप पे आपको साइनअप का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यूजर नेम फिल करो, अपनी ईमेल फिल करो, पासवर्ड क्रिएट करो, री एंटर कर लो पासवर्ड, और नीचे आई एम रॉट जो नॉट ए रोबोट के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे और नीचे जो चेकबॉक्स दिया हुआ है इसके ऊपर टिक लगा लेना, और रजिस्टर के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर लेना। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे साइनअप का प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके सबसे पहले लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपको इस तरह से आपका जहाँ पे डैशबोर्ड जहाँ पे शो करा जाएगा, सबसे पहले आपको जहाँ पे शो करा जा रहा है, जहाँ पे आपको एक्शन से रिक्वायर्ड दिखा रहा है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और बिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे करेक्टली फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो आपको यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है, इसमें आपको बैंक की डिटेल्स, जो भी आपका पेमेंट का मेथड होगा, जैसे पेटीएम सेलेक्ट करना है तो पेटीएम का नंबर वगैरह आपने यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने बैंकिंग UPI में विड्रॉल लेना होगा वो मेथड आपने यहाँ पे सेट कर लेना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने पेमेंट मेथड यहाँ पे सेट करा होगा तो आपको विड्रॉल्स में डिले यहाँ पे नहीं होगा। उसके नीचे आपको आपके टोटल व्यूज़ यहाँ पे दिखाए जाएंगे, टोटल एवरेज CPM कितना आपको मिल रहा है वो जहाँ पे शो करा जाएगा, रेफर के थ्रू आपकी कितनी डॉलर्स की अर्निंग हुई है वो जहाँ पे शो करा होगा, और टुडे की कितनी आपने जहाँ पे अर्निंग करी है वो आपको जहाँ पे शो करा होगा। उसके नीचे आपको जहाँ पे और जहाँ पे टोटल दिया हुआ है, नवंबर का पूरे जो मंथ चल रहा होगा उसका पूरा स्टैटिक्स, उसका पूरा डाटा भी आपको जहाँ पे शो करा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल दिया हुआ, ग्राफ वगैरह भी आपको जहाँ पे शो करा जाएगा। अब इसमें लिंक को कैसे शॉर्ट न करना है वो भी मैं आपको जहाँ पे बताऊँगा, और कैसे कैसे जहाँ पे अर्निंग करनी है A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो आपको जहाँ पे टॉप पे जो शो करा जा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल जहाँ पे कंप्लीट करनी है, उसके बाद जैसे ही आपकी जहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो सबसे पहले प्रोफाइल के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम इजी सी डिटेल्स है, हर एक यूजर जहाँ पे फिल कर सकता है, तो सारी डिटेल आपने सिंपल से यहाँ पे फिल कर लो सबसे पहले। उसके बाद आपको आपकी जहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपकी कंट्री होगी वो आप जहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जहाँ पे चलती है तो जो भी आपकी कंट्री अवेलेबल है उसे वो जहाँ से सिंपल से आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
जैसे ही आपकी यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, जो नेक्स्ट वाला स्टेप है उसमें अपने विड्रॉल का मेथड सबसे पहले यहाँ पे सेट करना है। पेटीएम में लेना होगा, यूपीआई में लेना होगा, बैंक ट्रांसफर में लेना होगा, गूगल पे के थ्रू लेना होगा, अमेजॉन पे का गिफ्ट कार्ड जहाँ पे लेना होगा, पेयर के थ्रू लेना होगा, उसके बाद यूएसडीटी टीथर में लेना होगा, बिटकॉइन में लेना होगा, ट्रोन में लेना होगा, जो भी आपको पेमेंट का मेथड जहाँ पे चाहिए होगा, जिसको भी आपने सेट करना चाहते हो उसके ऊपर सिंपल से क्लिक करके वो वाला पेमेंट का मेथड आपने सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप जहाँ पे पेटीएम में विड्रॉ लेते हो तो कितनी आपकी जहाँ पे वगैरह फी वगैरह कटोगी वो भी आपको जहाँ पे शो करा जा रहा है, 1.5% की आपकी जहाँ पे फी कटोगी। और अगर आप जहाँ पे यूपीआई में लेते हो तो आपको यहाँ पे INR 4 से 6 रुपीज़ आपके जहाँ पे इसमें फी कटोगी। तो जो भी मेथड आप जहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो वो सिंपल सा सेलेक्ट कर लो। जैसे ही वो आप जहाँ पे मेथड सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपने उसकी डिटेल्स जहाँ पे फिल करनी और अपना जहाँ पे पेमेंट का मेथड सेट कर लेना है। अब हमने जहाँ पे अपनी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर ली और अपना पेमेंट का मेथड जहाँ पे सेट कर लिया, अब चलते हैं अर्निंग पॉइंट पे। स्टेप वन आपको जहाँ पे क्लियर आउट हो चुका है रजिस्टर करना है और अपने पेमेंट के मेथड वगैरह और अपनी प्रोफाइल जहाँ पे कंप्लीट करनी है। स्टेप टू में हम जहाँ पे अर्निंग करेंगे और स्टेप थ्री से आप उस अर्निंग को जहाँ पे विड्रॉल करोगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे टॉप पे शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको न्यू शॉर्ट टर्म लिंक ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे URL फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, जो भी आपने जिसका भी यहाँ पे लिंक को शॉर्ट टर्न करना होगा वो सिंपल से यहाँ पे फिल करना और नीचे शॉर्ट टर्न का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिंक फिल कर लेते हैं। जैसे आप जहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करोगे उसके बाद नीचे शॉर्ट टर्न का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे आप जहाँ पे शॉर्ट टर्न के ऊपर क्लिक करोगे आपका जहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, आपका लिंक जहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वेट कर लेना है। अब जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी समझने वाला स्टेप है, अगर आप इसको स्टेप को जहाँ पे स्किप कर देते हो और जिन्होंने स्किप करके वीडियो को देखा होगा तो उन्होंने ये वाला स्टेप जहाँ पे देखा नहीं होगा, बाद में उनको जहाँ पे दिक्कत आएगी, तो ये वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देख सकते हो जैसे ही जहाँ पे मैंने लिंक को जनरेट करा हुआ है जहाँ पे दो लिंक शॉर्ट टर्न के थ्रू जहाँ पे मुझे मिले हुए, दोनों को कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है। वो जो हमें यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक पे यहाँ पे अगर लिंक को पोस्ट करना होगा, जैसे यूट्यूब और फेसबुक पे जैसे यूट्यूब की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ पे लिंक डाला है तो आपने कौन सा वाला लिंक चूज़ करना है, जो नीचे वाला आपको लिंक शो कर रहा है वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे दिए हुए फॉर यूट्यूबर्स एंड फेसबुक कम्युनिटी नीचे वाला लिंक, अगर आप जहाँ पे ऊपर वाला जहाँ पे लिंक जनरेट जहाँ पे चूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस की जहाँ पे यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाएगी और उसके रिगार्डिंग आपको जहाँ पे स्ट्राइक देखने को मिलेगी। अगर आप जहाँ पे नीचे वाला लिंक जहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको कोई भी स्ट्राइक कोई भी आपको जहाँ पे कुछ भी क्लेम वगैरह कुछ भी जहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए है, जैसे यूट्यूब और फेसबुक कम्युनिटी के लिए। अगर वहाँ पे लिंक को आपने शेयर आउट करना है तो नीचे वाला आपने लिंक जहाँ से कॉपी कर लेना, आपका लिंक जहाँ पे कॉपी हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वीडियो के नीचे आप डाल सकते हो। अब आपको जहाँ पे लिंक शॉर्ट टर्न का पता चल चुका है कि कैसे आपने जहाँ पे लिंक शॉर्ट टर्न करना है, अब इसके बदले में आपकी जहाँ पे अर्निंग कैसे होगी तो वो मैं आपको जहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक लिंक शॉर्ट टर्न करा हुआ है उसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो क्लिक करके आपकी अर्निंग कैसे जनरेट होगी, तो जैसे कोई उस भी लिंक के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से उसको एक पेज जहाँ पे शो करा जाएगा, कोई भी एक पेज जहाँ पे शो करा जाएगा, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जहाँ पे पेज जैसे यहाँ पे लोड हो रहा है और उसके नीचे जहाँ पे सेकंड का जहाँ पे टाइमर चल रहा है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आपको बेसिकली इसको जहाँ पे 2-3 पेज जहाँ पे रीडाउट करने पड़ेंगे, मतलब 2-3 पेजेस के ऊपर रीडाउट करा जाएगा, उसके बाद मेन डेस्टिनेशन जो आपने लिंक शॉर्ट टर्न करा होगा उसके ऊपर जैसे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट पेज जहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज जहाँ पे ओपन होगा फिर से आपने यहाँ पे वेट करना है, तो आपने क्या करना है उस पेज को जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है, नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ प्लीज वेट का ऑप्शन आ चुका है उसके बाद आपने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है। स्टेप थ्री टोटल है तो स्टेप वन आपका जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से आपको जहाँ पे टाइमर शुरू करा जाएगा तो आपको जहाँ पे कुछ सेकंड के जहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे वेट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ। डेस्टिनेशन पेज आपका जहाँ पर ओपन हो जाएगा तो फिर से आपको जहाँ पे जैसे दिखा जा रहा है कि स्क्रॉल डाउन कर लो और नीचे आपको जहाँ पे लिंक जो डेस्टिनेशन पेज है वो आपको जहाँ पे मिल जाएगा, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और देखते हैं जहाँ पे कहाँ पे है। तो जहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे स्टेप टू हमारा जहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपको जहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर दिखाया जाएगा और आपको जहाँ पे कोई भी पॉपअप वगैरह जहाँ पे कोई भी आपको कैप्चा वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा आपको ये थोड़े सेकंड आपको जहाँ पे वेट करना है क्योंकि इनकी जो अर्निंग होगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनकी अर्निंग होगी और उसी में से आपको जहाँ पे करा जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर से नीचे चले जाओ, फिर से जैसे नीचे जाओगे आप तो फिर से आप जहाँ पे नीचे जाओगे आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करो, प्लीज वेट का कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, स्टेप थ्री भी आपका जहाँ पे कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपको जहाँ पे रिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपको जहाँ पे शो करा जा रहा है थोड़ा सा वेट कर लो और जहाँ पे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको फिर से, तो देख सकते हो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका लास्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्सा पेज यहाँ पे जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्न करा था, तो इस तरह से डेस्टिनेशन मतलब किसी भी यूज़र को जहाँ पे रेफर करोगे वो फाइनल पेज पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पे ये वेबसाइट टोटल जहाँ पे वर्क करती है, सिंपल से 3 पेज विजिट करने होते हैं और उसके थ्रू आपकी जहाँ पे अर्निंग होगी।
और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा एक ही यहाँ पे क्लिक आया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाया हुआ है। जैसे ही आपका यहाँ पे टोटल व्यूज एक यहाँ पे काउंट हो चुका है, जैसे कितना इंस्टेंट यहाँ पे काउंट होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसकी अर्निंग भी आपको यहाँ पे शो करी जा रही है। एक व्यू काउंट की आपको यहाँ पे अर्निंग शो करी जा रही है, कितनी आपको यहाँ पे टोटल अर्निंग मिलेगी, तो उसको आप यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो, और कितने व्यूज पे आपको कितना मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। इसके अलावा और आप यहाँ से यहाँ पे कैसे कैसे अर्निंग कर सकते हो, इसके बाद नीचे मैनेज लिंक का ऑप्शन दिए हुए, जितने लिंक वगैरह आपने जनरेट करे होंगे वो आपको यहाँ पे शो करे जाएंगे, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे सर्विस वाला सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सर्विस के थ्रू भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे जहाँ पे आपको सर्विस के थ्रू यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, कंप्लीट सर्विस एंड अर्न सर्वे के थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गेम्स वाला सेक्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे गेम्स को प्ले करके अर्निंग कर सकते हो, जो कि अभी कमिंग सून है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जल्दी आपको यहाँ पे गेम्स वाला सेक्शन भी देखने को मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ पे गेम्स को प्ले करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे रेफर एंड अर्न के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, और रेफर एंड अर्न के थ्रू अपने जैसे यहाँ पे कैसे अर्निंग करनी है, जैसे आपको रेफर लिंक मिलेगा इसको अपने कॉपी करना है, फ्रेंड्स को जहाँ पे इनवाइट करना है, वो जितनी भी अर्निंग करेंगे उसका 10% आपको जहाँ पे मिलता जाएगा। तो ये था फुल प्रोसेस इस वेबसाइट का, आप जहाँ से अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हुई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।